मम्मी आपको पता है पापा काऊ की आवाज कैसे निकाल के दे रहे? कैसे कैसे? कर ले बेटा कर ले, पापा की बुराई कर ले। जरा सी आवाज नहीं निकाल पाया तो पापा को कुछ नहीं आता है ना? और वो भूल गई जो पूरी रात जाग के तुम्हें कहानियां सुनाई थी। एहसान फरामोश। कट्टी लेकिन मम्मी आपको पता जब आप नहीं थे ना तो पापा मेरे लिए रोज चॉकलेट लाया करते थे ताकि मैं उन्हें तंग ना करूं। रोज रिश्वत मिलती थी मुझे। अच्छा मम्मी मैं अभी जाती हूँ, दादी के कमरे से बुक्स लेके आती हूँ, मैं रोज उनके पास ही सोती थी। आप नहीं आ गई हैं, इसे लगता है इसको दुनिया ही मिल गई। वैसे रोज कहती थी आप आएंगी तो आपसे बात तक नहीं करेगी। मैं भी तो कितना डांटती रहती हूँ इसे, पर वहां जाकर पता चला कि इसके बिना मेरी दुनिया भी कितनी अधूरी है। खैर बताओ यहाँ मेरे पीछे क्या क्या हुआ, क्या क्या मिस किया मैंने? बहुत अच्छा ही हुआ जो आप यहाँ नहीं थी, पता नहीं क्या क्या हो गया इस बीच। मतलब ये इतना सब कुछ हो गया इस बीच और इंदर ने कुछ नहीं बताया मुझे, इसीलिए पूरे रास्ते में चुप थे। मैं भी होली के वक्त इतना बिजी थी कि न्यूज ही नहीं देख पाई। सुहाना को कितना बुरा लगा होगा ना? रजनी दी आपको सुहाना की पड़ी है? अरे छोटी मामी के बारे में सोचिए, क्या बीती है उन पर, सारी दुनिया के सामने तमाशा बन गया। पता है उनको कितना बुरा लगा है? हाँ चाची जी को भी बहुत बुरा लगा होगा, उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची होगी दिशा, लेकिन सुहाना को भी कितना हर्ट हुआ होगा। सोचो बेचारी की कोई गलती भी नहीं फिर भी उसे सजा मिल गई, और ऊपर से ये 20 लाख वाली बात। कितना बुरा लग रहा होगा उसे कि पूरी फैमिली उसकी वजह से टेंशन में आ गई है। रजनी दी आपको अब भी सुहाना दिखाई दे रही है और कोई नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ईशा तुम्हें नहीं लगता कि अपने घर में कुछ बदल रहा है? अब ये कश्यप परिवार वो नहीं रहा जहां बीती बातों को भुलाकर हंस के मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते थे। तुम्हें नहीं लगता कि अपने घर में कैंप बन रहे हैं जहां हर कोई साथी ढूंढ रहा है कि कौन किसके साथ है? मतलब ये क्या हो रहा है दिशा, तुम अचानक से सुहाना के इतने खिलाफ क्यों हो गई हो? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें सुहाना की हर बात से प्रॉब्लम हो रही है। इंदर ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ रानी, पूछो इसी से। जब से सुहाना टीवी सीरियल में काम कर रही है और इलेश उसका एजेंट बना है, इसमें अजीब सा बदलाव आ गया, ये खुशी नहीं है आखिर क्यों दिशा? इंदर भैया मैं बस इतना चाहती हूँ कि इलेश एक ढंग की नौकरी करे, तो पैसे भले ही उसे कम मिले मगर उसका आत्मसम्मान बना रहे। अरे यहां कौन उसका अपमान कर रहा है दिशा? सुहाना? दिशा अरे अपनों के बीच में सिर्फ प्यार होता है, आत्मसम्मान नहीं। अगर अपनों में भी आत्मसम्मान ईगो या मैं की भावना आ जाए ना तो अपने अपने नहीं रहते हैं, पराये हो जाते हैं। इलेश सुहाना का एजेंट है और तुम्हारा पति, दोनों चीजों को अलग अलग भी तो रखा जा सकता है ना, फिर इसमें सुहाना से इतनी नाराजगी क्यों? इंदर भैया मेरी नाराजगी सुहाना से नहीं है, इलेश से है।
ली। ये भी नहीं जानती कि नाराजगी इलेश से पर अपना गुस्सा सुहाना पे निकाल रही है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो इंदर, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान करे वही सच हो जो तुम सोच रही हो, वरना अरे भाई शाम हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था इलेश को। कहाँ रह गया बच्चा? इंदर फोन लगा ना, क्या हो रहा है? नहीं उठा रहा है, काट रहा है बार बार। सुहाना तुम्हें पता है सब दंग रह गए थे, गौरी का वो रूप, वाह वाह, मेरी माँ तो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है और तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत भी बढ़ गई वहाँ मोहल्ले में। सब कहते देखो देखो वो जो है ना वो गौरी की असली जेठानी है और मेरी चाची जो है ना। रजनी दीदी अगर प्रोड्यूसर ने इलेश भैया की बात नहीं मानी तो क्या होगा? 20 लाख रुपीज कॉम्पेंसेशन हम कहाँ से देंगे? मुझे तो लगता है कि बात बन गई होगी। हाँ भाई इलेश कह रहा था ना प्रोड्यूसर उसकी बहुत इज्जत करता है। दादाजी बस वो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे और कुछ भी नहीं। मुझे तो लग रहा है कि प्रोड्यूसर ने पकड़ ही लिया होगा उनको वहां पे। चुप कर, चुप चुप बोल। सुहाना तुम टेंशन मत लो, इलेश है ना वो सब संभाल लेगा। अरे अब वो हमारा इलेश पहले वाला इलेश थोड़ी ना रहा है, समझदार हो गया है, मीडिया वालों को भी हैंडल कर सकता है ना? अरे अरे इलेश आ गया। अरे इलेश क्या हुआ, क्या था, कहाँ तू? और यार क्या कहा प्रोड्यूसर ने, कुछ तो बता। अबे फोन क्यों नहीं उठा रहा था बे? वो लोग आए हैं, आप खुद ही बात कर लो। लगता है नोटिस आ ही गया। रजनी दीदी मत लो, ये तो कह रहा था ये संभाल लेगा। तो ये क्या है, इस पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, मैं बता रहा हूँ। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुने, बड़ी टींग आंक रहा था, नोटिस लेकर आ गया है निकम्मा। देखिए भाई साहब, हम मानते हैं कि आपका नुकसान हुआ है, लेकिन आप ऐसे हम पर केस कैसे थोप सकते हैं? देखिए कानून तो हम भी जानते हैं। कल आप ही थे ना फोन पर? कल परसों का क्या है जी, छोड़ो। तो देखिए कानून का क्या है जी, कानून तो हर कोई जानता है, कोई भी बोल सकता है कानून के बारे में, इसमें बुरा मानने की क्या बात है भाजी? क्यों भाजी कुछ बोलिए ना। मैं क्या बोलूं, तू बात कर लेना। हैं बात कर लो। देखिए आप हम पे ऐसे केस नहीं ठोक सकते हैं, समझे ना। और जी किसने कहा कि हम आप पर केस करने वाले? देखिए भाई साहब आप राई का पहाड़ बना रहे हो। हाँ देखिए थूके गुस्से को, हम यहां सुहाना जी पर कोई केस करने नहीं आए, हम एक्चुअली आपको यहां एक खुशखबरी सुनाने आए हैं। खुशखबरी? क्या है ये खुशखबरी भाई? वो क्या है ना कि मुझे बोलने देगा तू? ओ पुनीत काम मर गया, गुलदस्ता लेकर आ भाई। है आ गया, आजा 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 आ गया जी, आजा आराम से नीचे से नीचे मैडम। ओ जी ये हमारी ओर से छोटा सा थैंक यू है आपको जी। है
कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे मैं तो इन्हें देखते पहले ही समझ गया था, हीरा लगाए हमारे हाथ। ये हो क्या रहा है? लग रहा है कि सदमे से कुछ दिमाग गड़बड़ हो गया है। भाई साहब एक मिनट, आप हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, आप कौन सी खुशखबरी की बात कर रहे हैं भाई साहब? अरे जी कमाल कर दिया सुहाना जी ने, क्या लाइंस बोली इन्होंने, वेरी गुड जी। अरे इनकी लाइंस तो दर्शकों को छू गई जी, एक ही दिन में इतना बड़ा बदलाव। अरे टीआरपी 5 पर पहुंच गई, 5 पर। हाँ क्या? हाँ जी, वो भी 7:30 के स्लॉट पर। पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई है, भूचाल आ गया है, भूचाल। काट देना मैडम को, घर ले जाने आया क्या? सर निकाली ना मैम। आप शराब दे दीजिए। कोई गल नहीं जी। जी मैडम जी, ये छोटा सा कार्ड है हमारी तरफ से। देखिए समझ में नहीं आता कि कैसे तारीफ करूं आपकी, आपने तो हमारा सपना पूरा कर दिया जी। हम लोग एक ऐसा शो बनाना चाहते थे, मतलब ऐसा शो। तू बताना यार। हाँ, एक ऐसा शो जो बताए कि लड़की कैसे पुराने भेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही है। लेकिन आप लोग तो गौरी के कैरेक्टर को बदलना ही नहीं चाहते थे। किसने कहा है? ओ तू प्रोडक्शन मैनेजर है या प्रोड्यूसर है? चल माफी मांग, माफी मांग मैडम जी से। हाँ जी सॉरी जी। मैडम जी आप तो हमें ये बताइए कि आप ऐसी सोच लाए कहां से, मतलब ऐसी लाइन आपने बोली कहां से? ये सब मुझे मेरी बड़ी माँ ने सिखाया। उन्होंने मुझ में ये सब थॉट्स डाले। वाह बड़ी माँ, अरे कहाँ चरण है आपके बड़ी माँ। ओ पुनीत, अरे चरण छू बड़ी माँ के। क्या करूं इसका, रहने दे यार मैं ही छू लेता हूँ। ओ बड़ी माँ जी कहाँ है आप, इतना स्पष्ट कर। क्या करें आप, मैं बड़ी माँ नहीं हूँ। आप नहीं? आप ही बड़ी माँ। मैं भी नहीं हूँ। आप नहीं है? अरे भाई साहब बड़ा मन कर रहा ना पांव छूने का, तो ये है ना। अरे अरे एक्सक्यूज मी बट वेयर इज बड़ी माँ? ये है मेरी बड़ी माँ। ओ बड़ी माँ जी धन्य है आप। अरे बड़ी माँ नहीं नहीं, आपको मेरे पैर छूने की जरूरत। अरे नहीं नहीं कैसी बात करती है, आप तो हमारी बड़ी माँ है। वाह वाह धन्य है बड़ी माँ, सच में धन्य है। आपकी शिक्षा की वजह से हमारी गौरी वो गौरी बन पाई है जो जो 5 की टीआरपी लेकर आई है। 5 की टीआरपी। गुलाब जामुन खाएंगे आप? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। बाईस से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के दो नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत व्याह के लिए पार्ट साहब का वक्त हो गया है। साहिबा तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए दो नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।